किसके साथ होना किसके साथ नहीं होना, पहले याद रखो। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 221, सूरह बकरा आयत नंबर 221, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इसके अंदर। अब क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, मैं आप लोगों के सामने शॉर्टकट में ये बातें रख रहा हूँ, आप पूरी आयतें पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि मुशरिक औरतों से मोमिन मर्द शादी नहीं कर सकता और मुशरिक मर्द से मोमिन औरत की शादी नहीं हो सकती। पहली चीज, ये कंडीशन है। अल्लाह ताला इस आयत में बता दिए मुशरिक से कभी शादी नहीं करना, ना अपनी बेटी की ना अपने बेटे की, शिर्क करने वालों से शादी नहीं होती, पहली चीज। नंबर दो, नंबर दो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह नूर आयत नंबर 3 में, सूरह नूर की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जानी से, जिना करने वाले से और पाक और साफ मर्द का, या जानी मर्द से और मवाहिद पाक, जो अपने आप को पाक रखता है, उस औरत का निकाह नहीं हो सकता। ए बाबा गौर से सुनो बेटे, सूरह नूर आयत नंबर 3, यानी जिना करने वाली बदकार औरत हो या जिना करने वाला बदकार मर्द हो। आज बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है, उन्हें शादी से पहले पूरा बदमाश है, लड़कियों के साथ अफेयर है, ये करा वो करा, भाग गया, ये करा वो करा, सब लाया, लेकिन नहीं भी क्या हुआ, अब आ गया ना सुधर के, हालांकि आदतें अखलाक पूरे वही छे उसके, लेकिन पैसे वाला है, एक ही बेटा है, कहते एक ही बेटा है, उन्हें मर गए तो आस्ती पूरी मेरी बेटी की छोटी बोल के ऐसे बदमाशों को शादी करके दे दे रहे। जानी की निकाह पाक साफ औरत के साथ नहीं हो सकती, ये दूसरे कंडीशन, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज ये है, अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 22, 23, 24, सूरह निसा आयत नंबर 22, 23, 24, ये तीन आयतों को निकाल के देखेंगे, 16 रिश्ते अल्लाह ताला गिनाया, वो एक दूसरे से हराम है, 16 रिश्तों से शादी नहीं कर सकते। कौन से 16 रिश्ते? अल्लाह ताला बिल्कुल इन आयतों में वाजे कर दिया, जैसे माँ के साथ शादी नहीं हो सकती, बहन के साथ शादी नहीं हो सकती, फिर इसी तरह कौन, सास के साथ शादी नहीं हो सकती, इसी तरह कौन, भाई की बेटी से निकाह नहीं हो सकता, भाई की बेटी से, इसी तरह बहन की बेटी से भी शादी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग मामू को शादी करके देते, हराम है, नहीं हो सकती, मामू से शादी नहीं हो सकती, समझ रहे ना, चाचा से शादी नहीं हो सकती, ताया से शादी नहीं हो सकती, ठीक है ना। फिर इसी तरह अल्लाह ताला और भी बहुत सारे रिश्ते आप लोग जब ये आयतें पढ़ेंगे तो किस किस के साथ निकाह नहीं होता, हाँ खाला से निकाह नहीं हो सकता, फूफी से निकाह नहीं हो सकता, ठीक है ना। और दूध पिए सो, अगर दूध शरीक भाई हैं बहने हैं, जैसा कि औरतें बहुत ये गलती करती है, अब याद आया तो वो भी बोल देता हूँ, छोटे बच्चे रहते ना, बच्चे अगर किसी एक औरत को दूध नहीं आ रहा तो पड़ोसी की बच्ची की या रिश्तेदार में, कभी शादी में गए, कभी काम तो भी गए, एक बच्चे को रोते हुए देखे तो उस बच्ची को दूध पिला देते, ठीक है, दूध पिलाए गुना नहीं है, लेकिन बड़े होने के बाद अब जो बचपन में दूध पिया ना, ये दूध पिए सो बच्ची के साथ, वो बच्चे का निकाह नहीं होता, हराम, इन दोनों भाई बहन बन जाते। दूध अगर एक मर्तबा पिया, एक मर्तबा दूध पिया कोई बच्चा, जिस बच्चे के साथ जिसका दूध था, अगर दूसरा बच्चा हो या बच्ची हो पी लिए, उन दोनों सगे बहन सगे भाई की तरह हो जाते, इनका निकाह नहीं होता, इनका निकाह नहीं होता, ये गलती कभी नहीं करना, ठीक है। ऐसे 16 रिश्ते अल्लाह ताला इस आयत में गिनाया, तो इनसे रिश्ता नहीं होता। फिर इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 234, सूरह बकरा आयत नंबर 234, इद्दत के दिनों में निकाह नहीं होता। इद्दत के दिन बोले तो, अगर किसी औरत का शोहर मर गया या किसी को तलाक दे दिया, अब वो औरत 4 महीने 10 दिन तक निकाह नहीं कर सकती, सिर्फ 4 महीना 10 दिन तक, उसके बाद फिर उसका निकाह हो सकता। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते, नहीं भाई एक रिश्ता आया सऊदी को जाने वाला है, कहते बच्चा जल्दी निकाह कर ले तुम बोल रहा, लेकिन ये बच्ची का क्या हुआ, शोहर इंतकाल हो के अभी 10 दिन ही छोरा, 1 महीना छोरा, कर सकते क्या, नहीं हो, नहीं कर सकते, 4 महीने 10 दिन तो उसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, शिगार का निकाह हराम है। शिगार का निकाह बोले तो क्या है, मेरी बहन तेरे को देता हूं, तेरी बहन मेरे को दे, और दोनों का महर खत्म करेंगे, ये निकाह हराम है, जायज नहीं है। बहन एक दूसरे की दे सकते, लेकिन महर तेरी बहन का, तेरे को नहीं, महर बराबर रहेगा, मेरी बहन का मेरे को बराबर इसका महर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो एक दूसरे को बहना दे लेंगे, महर नहीं बात करेंगे, महर खत्म कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये शिगार का निकाह है, ये हराम है, ठीक है ना, ये निकाह नहीं होता। इसी तरह
अब ये तो नहीं होने वाली चीजें हैं, ये कंडीशन है निकाह के लिए, ये चीजों से, इन चीजों से नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब निकाह के लिए क्या करना है।